the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so hypoxemia ya oxygen saturation ko check karna bahut zaruri ho gaya hai ab corona ke chalte corona virus ke अगर आपके आसपास अगर आप रेड जोन में हैं या आपको कोरोना पॉजिटिव आ चुका है कोविड के साइन है सिम्टम है आपको लक्षण है आपको डाउट है तो आपके पास एक सैचुरेशन प्रोब होना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन आपके ब्लड्स में चेक करने वाला प्रोब आपके पास होना ज़रूरी है वो प्रोब आपको ये बताएगा कि आपका सैचुरेशन कितना है ये इस तरीके का प्रोब आता है इस तरीके का ये प्रोब होता है ठीक है इस प्रोब में आपको सिर्फ ये उंगली डालनी होती है और यहाँ पर एक बटन होता है वो दबाना होता है अभी इसमें बैटरी नहीं है और ये हमारा टूट गया है क्योंकि बच्चे इससे खेल खेल के तोड़ दिया है लेकिन आपको नया लेना है ठीक है एक नया हमारा और पड़ा हुआ है तो इसको क्या करना है इसमें उंगली डालेंगे बटन दबाएंगे यहाँ पर तो वो बटन दबाने से यहाँ पर दो चीज़ें आ जाएगी एक आपके खून में कितना ऑक्सीजन है कितना परसेंट सैचुरेशन है ऑक्सीजन का और दो आपकी दिल की धड़कन तो ये दो बहुत अहम चीज़ें इस इस एक डिवाइस से पता चल सकती है जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन सो ऑक्सीजन सैचुरेशन को आपको गिनना बहुत ही जरूरी है और हार्ट रेट भी क्यों क्योंकि ये हाइपो जिसको बोलते हैं आपके शरीर में आपके फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन भरना खून में तो अगर आपके उंगली में या कहीं भी ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे या कोई बीमारी आपके फेफड़ों को लंग्स को अफेक्ट कर रही हाइपो ऑक्सीमिया के और भी कारण है वैसे खून की कमी हीमोग्लोबिन की कमी आर की कमी ल की बीमारी ऑक्सीजन तो है लेकिन हार्ट ही पंप नहीं कर पा रहा है सो तो और भी कारण है लेकिन अपने केस में अगर किसी भी कारणवश ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका एक लेवल पे था और कम होता गया तो वो डेंजरस या उसको एक सीरियस साइन माना जाता है अव्वल इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप सभी को होनी आवश्यक है एक हाइपोऑक्सीमिया का मतलब बिलो नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड स्पेसिफिकली आर्टरीज खून की नसें जो लेके जाती हैं दिल से ऑक्सीजन भर के आपके ऑर्गन्स को उसको आर्टरी बोलते हैं जो वापस लाती है वेन बोलते हैं वेन में ऑलरेडी उक, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम होता है सो so, आर्टरी में देखना जरूरी होता है हाइपो एक साइन है जो ये बताता है कि प्रॉब्लम आपकी ब्रीदिंग सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम में है या तो ब्रीदिंग सिस्टम में लंग में या सर्कुलेशन यानी कि ऑक्सीजन ले जाने वाले हार्ट पंप करने वाले या ले जाने वाले हीमोग्लोबिन आयरन इन चीज़ों में हीमोग्लोबिन आयरन आरबीसीज में प्रॉब्लम है सो so ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकता है और सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम आपको होगा अगर सेचुरेशन कम होगा तो डीप ब्रीथिंग लंबी लंबी सांस ब्रेथलेसनेस चलने फिरने पर या फिर बैठे बैठे या लेटने पर ये भी सिम्टम है अब सांस लेने में भी कुछ लक्षण पता चलते हैं अगर आपका सिर्फ चलने फिरने पे सांस फूल रहा है तो यह इनिशियल स्टेज है अगर बैठे बैठे सांस फूल रहा है या लेटने पे सांस फूल रहा है तो दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है और अगर पैरों पर पे सूजन भी है साथ में तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है तो हार्ट के इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें गारंटी कुछ नहीं है क्योंकि टेस्ट करके ही पता चलता है लेकिन बढ़ जाते हैं अब याद रखिए हाइपोऑक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन कम यह डिटरमाइन किया जाता है इसी ऑक्सीजन सेचुरेशन से या फिर एक सैंपल ए बी जी नामक आपके आर्टरी से आपके खून की नस की आर्टरी से आ, से एक सुई डाल के खून निकाला जा सकता है वेन से नहीं वेन वाला खून नहीं आर्टरी वाला खून आर्टरी वाला खून लाल रंग का होता है वो देखा जा सकता है उसमें ए बी जी ए बी जी पे डिफरेंट वीडियो है हमारा वो देखिएगा हॉस्पिटल लेवल पे आईसीयू लेवल पे हम हम ए बी जी लेल पर बहुत सारी और चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स लैक्टेट्स एसिड ऑसि एसिड कितना है शुगर कितना है वो सब बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज उसी से मिल जाता है लेकिन घर के लेवल पे आप ये सैचुरेशन लग सकते हैं ये छोटा सा ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब इसको सैचुरेशन प्रोब सैचुरेशन डिवाइड डिवाइस इसको कुछ भी बोल लीजिए ये पल्स ऑक्सीमीटर बोल लीजिए ये बहुत आसानी से आपको हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएगा मेडिकल स्टोर में अमेजोन पे कहीं भी ठीक है रिव्यूज देख के लीजिए और उसको एक छोटा सा डिवाइस है घर पे रखने में कोई नुकसान नहीं है मंगवा लीजिए रख लीजिए घर पे मॉनिटर करिए अगर किसी को भी सिम्टम है उसके लिए अब इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल क्या होता है सर हमारा तो अस्सी आ रहा है बताइए ऐसे कई लोग हैं सर मुझे तो डॉक्टर ने घर भेज दिया था डेढ़ दो साल पहले हमारा तो हमेशा ही डॉक्टर ने कहा मेरे तो अस्थिर रहेगा ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन वैसे ही कम रहता है क्यों क्यों सोचो भाई उनके फेफड़े पहले से खराब है क्यों खराब है टीबी हो गया होगा पहले टीबी हुआ हो पहले सीओपीडी हुआ हो सिगरेट पी पी के फेफड़ों के जो फुफुले हैं एल फूट गए हैं एम्फाइसीमिया सीमा हुआ है ब्रोंक्यो ब्रोंकाइटिस होता है एस्तमा होता है इन लोगों का नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो सकता है कायदे से अगर हम ए बी जी में देखें आर्टीरियल ब्लड गैस में तो जो नॉर्मल आर्टरी में ऑक्सीजन होना चाहिए मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में 75 से 100 मिलीमीटर्स होना चाहिए और उस कंडीशन में 60 मिलीमीटर ऑफ एच इंडिकेशन होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने का उस टेस्ट में इस टेस्ट में डिफरेंट है नॉर्मल पल्स पल्स में ऑक्सीमीटर की रीडिंग को फाइव टू हंड्रेड आता है तो नॉर्मल माना जाता है 90 के नीचे 95 के नीचे आ रहा है तब डायरेक्टली नहीं बोला जाता कि बहुत जरूरत है पर 90 के नीचे इज कंसिडर्ड लो एंड दैट मीन्स यू नीड ऑक्सीजन तो ऐसे में नंबर एक आपके पास में ये बहुत ज़रूरी है नंबर दो आपके पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ये भी होनी पड़ सकती है अगर खासकर आपको सी ओ या आपके फेफड़े ऑलरेडी खराब है तो कुछ मशीनें आती हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेशन मशीनें आती हैं वो भी आप रख सकते हैं अपने पास वो भी घर में रखी जा सकती हैं और अगर आपके कुछ लिंक्स हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी घर पे रखे जा सकते हैं ये उन एरिया के लिए है जैसे दिल्ली का एरिया जहाँ पे आप ढूंढने पर भी आपको अस्पतालों में बेड नहीं मिलेगा अब अस्पतालों के बेड और रेलवे में का बनाया गया वो आई सी गया वो हमसे ना पूछे हम गवर्नमेंट नहीं है हम तो आपको हेल्प कर रहे हैं जितनी हमसे हो सके ठीक है सो हेल्प नंबर वन अगर आपके घर में कोई ऐसा संदिग्ध पर्सन है डाउटफुल है तो एक खर्चा करिए ऑक्सीजन सेचुरेशन खरीद लीजिए कहीं से भी खरीदिए हम कोई लिंक ना दे रहे हमें कोई इससे प्रमोशन नहीं कर रहे ओके और ऑक्सीजन सैचुरेशन को बच्चों से दूर रखिएगा हमारी जैसी गलती मत करिएगा वरना ऐसा टूट जाएगा और फिर आपको नया लेना पड़ेगा ठीक है और आपको इसके अलावा तीन चीज़ें और घिननी है हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बताया था आपका दिल की धड़कन अगर कोई बीमारी होती है तो दिल की धड़कन बढ़ती है और थोड़ी देर के लिए बढ़ जाना फिर वापस आ जाना घबराहट एनजाइटी से भी हो सकता है बहुत कॉम कॉमन है लेकिन लगातार बढ़े रहना किसी ना किसी बीमारी का अंदेशा है तो दिल की धड़कन भी इसी डिवाइस से आपको पता चल जाएगी ब्लड प्रेशर दूसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर के लिए आपको दूसरी मशीन लेनी होगी उसके लिए आप चाहें तो ऐसी घड़ी भी ले सकते हैं ये हमारे घड़ी की बैटरी कम हो गई है ये घड़ी ब्लड प्रेशर देख लेती है और दिल की धड़कन देख लेती है और टेम्परेचर भी देख लेती है बहुत अच्छी बात है इसकी और ये आप गोकी के स्टोर से ले सकते हैं ऐसी नहीं तो ब्लड प्रेशर का मॉनिटर जो आता है नॉर्मल स्पिगोमोमीटर आपका डिजिटल वाला वो भी कोई दिक्कत नहीं है याद रखिए एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे ठीक है हमें अंदाजा ही चाहिए अंदाजन आपका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है अंदाजन ज्यादा आ रहा है उतना ही चाहिए क्योंकि अब बात आती है कि वो पांच परसेंट लोग पकड़ने क्योंकि होगा बहुत लोगों को याद रखिए बहुत लोगों को कोरोना होने वाला है बहुत लोगों को थोड़े बहुत सिम्टम आने वाले हैं घबराहट में सिम्टम्स बढ़ जाएंगे हॉस्पिटल ढूंढेंगे मिलेंगे नहीं पैनिक करेंगे आखिरी में क्या होगा डॉक्टर सेचुरेशन देखेगा सेचुरेशन आपका 90 के ऊपर होगा तो आपको घर भेज दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा भाई साहब मॉनिटर करिए और ये 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 विटामिन ले लीजिए मैं क्या करता हूँ इलाज भी में मैं अपने पेशेंट जो ऐसे आते हैं उनको मैं जिंक जिंक के लिए जिंकोनिया या जिंक जैसा कोई सप्लीमेंट देते हैं हम दिन में पच बीस एम का दिन में एक या दो बार एज के हिसाब से वजन के हिसाब से उसके अलावा वाइटामिन डी सप्लीमेंट उसके अलावा वाइटामिन सी बी का बीकासूल जेड आती है उसमें सी बी और जेड यानी जिंक ये तीनों है ये भी अच्छी चीज़ है जिंक को विट आता है ए टू जेड आता है ये भी एक वाइटामिन इन में इनमें से कोई भी ले सकते हो एक डेली लीजिए कोई दिक्कत नहीं है वाइटामिन डी सिक्सटी थाउजेंड हफ्ते में एक बार या वन टू टू थाउजेंड आप डेली लीजिए कैल्शियम की एक गोली ज़रूर लीजिए इसके अलावा ओमेगा थ्री अश्वगंधा ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं और एन एसीटल सिस्टीन यानी कि म्यूसिनैक ये भी एक बहुत ही अच्छा एडिशन है आपके खुद के और आपके इस टाइप के केसेस में एन एसिटल सिस्टीन इज़ बेसिकली जो आपके शरीर में एंटी बढ़ाता है ग्लूटाथन उसका एक दवाई का नाम है म्यूसिनैक ये सारी चीजें मैं अपने पेशेंट जो खासकर कोविड के हैं उनको जरूर देते हैं और उनको ये सारी बातें समझाते पे अगर तो पेशेंट बहुत ज्यादा सो तो इसीलिए ध्यान में रखिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना ख्याल रखें डॉक्टर से बात करते रहें और इस चीज के बारे में गलत जानकारी से बचें पैनिक ना करें और यस अगर हालत बिगड़ती जा रही है सेचुरेशन आपका 90 से कम है ऑक्सीजन दीजिए पचासी से कम है ऑक्सीजन बढ़ाइए उससे भी कम होते जा रहा है 80 से कम होता जा रहा है तो भर्ती करना पड़ेगा पेशेंट को हो सकता है वेंटिलेटर पर लेना पड़े तो इस चीज़ के बारे में पता करके रखिए कि कहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल है आपके शहर में नहीं है तो आप क्या करेंगे इसके बारे में सोचिए डरिए मत पेशेंट को मत डराइए वो आपकी ज़िम्मेदारी है जितना हमसे हो सकता हम कर रहे हैं जितना आपसे हो सकता आप करें हो सके तो ये जानकारी आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। जाए राइट right? धन्यवाद